सिद्धार्थ शुक्ला। आज 23 जुलाई के दिन 1906 में देश के शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महानायक शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। इस दिन को हम उनके जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को सलाम है। हम ये चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहे। इन्हीं के साथ मैं 125 करोड़ भारतवासियों से चाहूँगा कि इसी विचारों के साथ रहें, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाते रहें, चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते रहें। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ चाहूँगा आजादी डीपी सिंह सर से, डॉक्टर डीपी सिंह सर देश के नाम से। महानायक शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इन्होंने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई और शहीद हो गए। मैं भारत के इस वीर सपूत को प्रणाम करता हूँ, समर्पण करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा 1921 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। उस आंदोलन से प्रेरित होकर चंद्रशेखर आजाद जी ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद ये गिरफ्तार किए गए, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किए गए। मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर है जेल खाना। इसके बाद इन्हें बाल रूप होने के कारण, कम उम्र होने के कारण इनको कारागार की सजा ना दे करके इन्हें जो है 14 घोड़ों की सजा दी गई और हर घोड़े के साथ इनके मुँह से वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय निकलता था। ऐसे वीर सपूत को, ऐसे महानायक को, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम सब 125 करोड़ भारतवासी नमन करते हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा आप ऐसे ही रहें, हमेशा आप ऐसे ही साथ देते रहें, हमेशा ही लोगों को माफ़ करें और देश के साथ न्याय करें। हर घर से जो है चंद्रशेखर आज़ाद निकले। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।